शालिनी जी बताएंगी नियम क्या बताया है। त्रिचि ब्राह्मण उपनिषद में यम की परिभाषा बताइए। शालिनी कांता जी आता है, पढ़े हो? एक शब्द बता दीजिए केवल, जो मैंने बताया था केवल एक शब्द याद कर लो पूरा था। पूरी परिभाषा याद नहीं है, जो केवल मुझे एक शब्द बता दीजिए, मैं सेटिस्फाई रहूंगा कि हाँ आप एग्जाम में कर लोगे उसको, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बोली है। पूरा याद नहीं करना, एक शब्द याद कर लो, एक शब्द बता दीजिए मुझे कौन सा शब्द था वो, जो केवल एक वर्ड याद कर लेने से वो पूरा याद हो जाता। ना समय मत लगाया करो यार, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। नहीं आता सर तो बोल लो सर, नहीं आता। सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट जानते हो क्या होता है? सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट ये होता है जब मैं आपसे आपका नाम लेता हूँ और जब प्रश्न पूछता हूँ और आपको आता है तो भी आपको इफेक्ट पड़ता है, नहीं आता है तो भी इफेक्ट पड़ता है। पढ़ा तो था, भूल गई सर, पढ़ा था। चलो रिवाइज और रिवाइज सर कर मैं लेते। अभी ड्यूटी पे हूँ तो सर मेरे को अभी फोन नहीं उठा सकती, दैट्स व्हाई मैं इतना लेट आपको जवाब दी। ओके कोई बात नहीं जी। तो सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट में ये होता है ना, अगर मैं आपसे आपका नाम लेकर पूछ रहा हूँ ये क्या है, वो आपको पूरा दिन याद रहेगा, पूरे दिन आपको वो चीजें गूंजेंगी आपके ब्रेन में। महसूस किया है कोई, जिसमें किसी का नाम लेता हूँ तो वो क्वेश्चन याद रहता है पूरा दिन ना? साइकोलॉजिकल बातें हैं, इसको सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट बोलते हैं। चलो साक्षी पाल आप ही बता दो। सर मैंने तो अभी रिवाइज नहीं करा, तो नहीं किया? थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। चलो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, एग्जाम आ रहे हैं अभी। यही दुआ कर सकता हूँ, यही प्रार्थना कर सकता हूँ भगवान से कि आपकी हेल्थ एग्जाम तक अच्छी रहे, बाद में भगवान देख लेंगे। यम क्या होता है कौन बताएगा? सर सुनीति सुर्वे जी चली गई। लक्ष्मी साहू सर बताओ बताओ। क्या बोलते हैं, शरीर एवं इंद्रियों में वैराग्य का होना इसको यम कहा गया है सर। केवल एक शब्द में? वैराग्य। बहुत बढ़िया, एक वर्ड वैराग्य। सर शरीर एवं इंद्रियों के प्रति वैराग्य का भाव आ जाना ही यम है। ठीक है भवेश, नियम बताइए क्या होता है। सर परमात्मा तत्व में निरक्ति रखना ही नियम है। बहुत बढ़िया, एक वर्ड बताइए कौन सा। अनुरक्ति सर, निरंतरता मतलब। चलिए अब मुझे बताएंगे दामिनी साहू, आप बताओगे आसन क्या बताए, एक शब्द में बताओ। एक शब्द में आसन डिफाइन करना सिखा रहा हूँ आपको। सॉरी सर मैं क्लास अटेंड नहीं की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, नहीं किए हो रिकॉर्डिंग जाके देखो। निशु जी एक शब्द में आसन को डिफाइन कीजिए। सभी वस्तुओं के प्रति उदासीन भाव। एक शब्द, ओनली वन वर्ड, ओनली वन वर्ड। उदासीन भाव। बहुत बढ़िया, मैं टाइप नहीं कर पा रही हूँ, बता दूंगी आपको बीच बीच में, वेट करना। चलो मैं आपको पूछ लूंगा फिर। चलो चलो ठीक है। प्रज्ञा पटेल आसनों के सर काम आसन के बारे में क्या बोले? क्या पुष्पा जी? आसन के बारे में क्या बोले? स्थिरम सुखम आसम है ना ना ना, आपने त्रिशिक ब्राह्मण पढ़ा है ना? नहीं पढ़े हूँ, रिवीजन नहीं करी हूँ, होगा हाँ तो पोर्शन पहले तो उसे हो गया, करिए, मैं नहीं पढ़ी हूँ, उसको करिए। रिवीजन कर अष्टांग योग, उसमें जो अष्टांग योग का वर्णन है मैं उसकी बातें कर रहा हूँ आपसे।
क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या आते हैं उसमें। प्रज्ञा पटेल जी उन 17, ओके प्रज्ञा पटेल उस 17 आसनों में से जो आपको याद हो बताइए, फिर पूरा कौन सुनाएगा वो भी बताइए। सर धनुरासन, गोमुखासन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, सर याद है। सिद्धासन है, सिद्धासन हाँ शायद है। अच्छा है, कितने केवल 4 बताया 17 में से, 6-7। हट प्रदीपिका में कितने आसनों का वर्णन है? हट प्रदीपिका में 15 आसन। तो 15 आसन याद है आपको? हाँ वो वाले याद है। मुझे लगता है उन 15 आसनों में और इन आसनों में कोई अंतर ज्यादा है नहीं, उनको याद कर लोगे तो ये भी याद हो जाएंगे, सीक्वेंस याद करना होता है। सिर्फ 2 एक्स्ट्रा है सर, इस कारण ये 17 हुए हैं। हाँ चलो कौन सुना रहा 17 सर? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। लक्ष्मी साहू, शालिनी कांता, अरुणा मौर्य, एक मिनट में ले रहा नाम, प्रीतिका जायसवाल, भावेश कुमार, रचना राजपूत, केवल 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 इतने बच्चे। आप लोग क्या कर रहे हो? मनोज जी, मनीषा जाजू, लक्ष्मी साहू बोल रहा हूँ, प्रीति गुप्ता, 17 आसनों के नाम एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। क्या करोगे फिर? गए 2 नंबर, -2 हो गए आपके, उसी 2 नंबर से जयरक चूक गया आपका। भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर जयरक चाहते हो तो इतने बार प्रयास कर रहे हैं तो हम इन छोटी छोटी चीजों को याद करते हैं। थोड़ा संस्कृत में नजर मार लो, जिन जो बहुत बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है। चलो भावेश सुनाओ फटाफट। चलो जी सर, सर पहले स्वास्तिक आसन, गोमुख आसन, फिर वीर आसन, योगासन, पद्मासन, बुद्ध पद्मासन, कुकुटासन, उत्तान कुरुमासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, वसेंद्रासन और सिद्ध पश्चिम सुखम, मतलब सिद्धासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तासन और सुखासन। बहुत बढ़िया, सभी भावेश जी के लिए क्लैप करेंगे, ठीक है। चैट में होता है ना क्लैप का, सभी क्लैप करेंगे, ऐसे याद होना चाहिए। इसके मिलते हैं नंबर। चलो और जो इन लोगों से मैंने नहीं पूछा, मैं जानता हूं आप लोग को भी याद होगा, समय का अभाव होने के कारण मैं सबसे नहीं पूछ सकता, पर मैं मान लेता हूं कि आपको याद होगा, मैं मान करके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, वरना तो मैं आगे बढ़ने वाला नहीं था। चलो पर फिर भी आगे बढ़ते हैं, मैं मान लेता हूँ आपको याद। जब्बूलाल जी क्या टाइम हो रहा है? थोड़े सीनियर सिंसियर हो जाओ भाई, एग्जाम तक थोड़ा सा एग्जाम तक हो जाओ, ज्यादा देर नहीं। सर इसकी कोई ट्रिक है क्या ताकि वो पूरे अच्छे से याद रहे किसमें कौन से हैं कौन से नहीं है? याद करना ही ट्रिक है उसकी। सर इसकी एक बनाए थे हम, नंबर वाइज लिख करके भी किया जा सकता है, 4 रो में डिवाइड कर दीजिए, मिक्स हो जाते हैं ना। स्क्रीन प्रेजेंट है? यस सर। यस चलो देखो, इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो दिखा दे रहा हूँ एक बार। कहानी शुरू हुई थी यहाँ से, कृषिक ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच संवाद है, 174 मंत्र, योग कर्म ज्ञान और अष्टांग योग का वर्णन, यम 10, नियम 10, आसन 17, नाड़ियां 72,000 उसमें से प्रमुख 10, प्राण है 10, धारणा है 5, मर्म स्थान 18, उनको याद करना है आपको। मुख्य विषय जो जानते हो यही है अष्टांग योग एक तरह से। ब्राह्मण 1, इसमें क्या क्या वर्णन है
शरीर प्राण कारण और आत्मा पूछा था त्रिशिक ब्राह्मण ने, उन्होंने बताया ब्रह्म से अव्यक्त इस मतलब इस प्रकृति की, जो प्रकृति अव्यक्त होती है उसकी रचना हुई, फिर महत अहंकार पंच तन्मात्राएं, फिर पंच महाभूत और संपूर्ण विश्व की रचना हुई थी, इस प्रकार सृष्टि का क्रम बताया। पंच महाभूत के भेद में हमने देखा कि आकाश के अंदर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ही पंच महाभूत है, उसके भेद हमने इसमें नया जाना था। पृथ्वी में कर्मेंद्रियां, जल में तन्मात्राएं, अग्नि में ज्ञानेंद्रियां, वायु में प्राण और आकाश में आपके अंतःकरण, ठीक है, ये करके आप याद कर लेना। मंत्र में ये कर्म क्या है और ज्ञान योग क्या है, मंत्र दो में हमने ये जाना था। शास्त्रानुकूल कर्मों को करना ही कर्मयोग कहलाता है, और सर्वथा चित्त को आत्मिक उत्थान में लगाए रखना ही ज्ञान योग कहलाता है। ये हमने जाना था, इंपॉर्टेंट पार्ट है यम नियम आसन देखना। केवल वैराग्य भाव याद कर लो, शरीर एवं इंद्रियों के प्रति वैराग्य भाव ही, देहेन्द्रियेषु वैराग्यम, देहेन्द्रियेषु वैराग्यम, देहेन्द्रियेषु वैराग्यम, बस बस ऐसा रटते रहो, देहेन्द्रियेषु वैराग्यम। इसमें केवल नियम में अनुरक्ति की याद कर लो, परमात्मा तत्व से अनुराग, निरंतर अनुराग मतलब प्रेम आसक्ति रखना ही क्या है, नियम है। अब इसमें आसन 17 है, इसमें उदासीन भाव साम्य अवस्था किसके प्रति, इस संसार की समस्त वस्तुओं के प्रति उदासीन भाव रखना, मतलब ना बुरा ना अच्छा, ठीक है, दोनों में जितने भी द्वंद होते हैं, द्वंद चाहे जो भी हो, जहां भी दो वर्ड आएगा द्वंद, अच्छा बुरा दिन रात जितने भी द्वंद है, उन सब में उदासीन भाव रखना ही आसन है। आसनों के नाम याद हो आपको, इस सारे 17 आसनों के नाम याद कर लो, जिनको जेआरएफ चाहिए नेट वाले, केवल 17 आसन है, उदासीन भाव है याद रख लो, चॉइस आपकी है आप क्या चाहते हैं। स्वास्तिक आसन की विधि सब आपको मैंने बता रखी है, कैसी क्या है, किसी का माइक ऑन है शायद। देखिए आसनों का फल है तीनों लोकों को मानो जीत लिया, ये फल है उसका। अब देखिए हम प्राणायाम में थे, प्राणायाम में एक वर्ड याद कराऊंगा, वो याद करना, जगत सर्वमिदम यत्, जगत सर्वमिदम मिथ्या प्रतीति प्राण संयम, 30 नंबर श्लोक। क्या बोला, मिथ्या, केवल मिथ्या, इस जगत के मिथ्या स्वरूप को भली भांति समझ लेना ही प्राणायाम कहा गया है, मतलब इस जगत के मिथ्या स्वरूप को जान लेना। जैसे कि रस्सी को अगर आप सांप मान लेते हो, अगर आप ये जो मिथ्या ज्ञान है ना, विपर्यय मिथ्या ज्ञान अद्वैतम, तो उस मिथ्या ज्ञान के उपरति ही, अगर वो मिथ्या ज्ञान से आप ऊपर उठ जाते हैं, उसे ही प्राणायाम कहा गया है, ठीक है। इसमें मानव देह का माप है, प्राण का माप हम पढ़ेंगे, जो हम घेरण संहिता में पढ़े हैं 96 अंगुल, वहां पे भी मानव देह जो आपका शरीर है, देह उसकी माप बताई है 96 अंगुल, प्राण का माप है 12 अंगुल, ऑन ज्वाइन किया इतने टाइम। प्राणायाम द्वारा ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, कौन ज्वाइन किया इतने टाइम, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू डोंट ज्वाइन आफ्टर 8:10, ओके। मेरे पास केवल 45 मिनट होता है आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम होता है, मैं आपको पढ़ाने के लिए पहले पढ़कर आता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ 45 मिनट में आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देकर जाऊं, तो प्लीज टाइम जाया करो, मेरा कुछ नहीं जाता, आपका ही जाता है। और टीचरों की तरह सिलेबस खत्म करना मेरा लक्ष्य होता तो मैं अब तक त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद पहले ही दिन खत्म कर चुका होता, ठीक है। मैं आपके मेमोरीज की कैपेसिटी को समझ पा रहा हूँ, सभी को लेकर चल रहा हूँ, प्लीज मेरी भी बातों को समझिए, आप सभी लोग मेरी क्लास में टाइम से आइए, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। एडमिन कौन है, नाम लक्ष्मी सर, लक्ष्मी 8:15 के बाद, मैक्सिमम 8:15 उसके बाद ज्वाइन मत किया करो, ठीक है, नहीं करना ज्वाइन। चार लोग रहेंगे, मैं चार लोग को पढ़ा लूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, भूसा खाता नहीं चलेगा।
ट्रुन 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 बजता है यार बीच क्लास में, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, मेरा कंसंट्रेशन भंग कर देते हो आप लोग। ठीक है, और भी लोग हैं उनको भी दिखता होगा, ये ज्वाइन वो ज्वाइन, हम भी पढ़ते थे तो दिक्कत आती थी, अभी इतने टाइम ये ज्वाइन कर रहा है, देखो ऐसे करके सब लोग देखते हैं जहां तक मुझे लगता है, मैं भी पढ़ा हूँ उसी क्लास में। प्लीज समय से आया करो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जो भी आया जो भी लेट आता है सबके लिए, लेट होते हो मत आओ, जाके रिकॉर्डिंग देखो। ठीक है, सुबह की क्लास है, टाइम से उठना पड़ता है। प्राणायाम है इस जगत के मिथ्या स्वरूप को जान लेना, केवल एक वर्ड याद कर लीजिए, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, इस जगत के मिथ्या स्वरूप को अगर आप समझ लेते हैं, इसे ही प्राणायाम बोला जाता है। मानव देह की माप इसमें हम जानेंगे, प्राण का माप क्या होता है ये भी हम जानेंगे, जो कि हम घेरण संहिता में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्राणायाम द्वारा ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, प्रश्न आता है। शरीर में स्थित वायु को, जो भी हमारे शरीर में प्राण वायु है ना, उसी को किसकी अग्नि से, प्राणायाम की अग्नि से न्यून एवं सम करके ही हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारी प्राण वायु है उसे हम प्राणायाम की अग्नि से तपा लें, उसे न्यून कर लें, न्यून मतलब सूक्ष्म कर लें, अपने प्राण को सम कर लें। ठीक है, एक रिदम में आपकी ब्रीथ चले, निरंतर श्वास इधर उधर चल रहा है, इसलिए तो हमारा मन विचलित होता है, चले वाते चले चित्तम। हट प्रदीपिका के कौन से चैप्टर में है ये, चले वाते चले चित्तम? दूसरा का दूसरे चैप्टर में, दूसरा श्लोक है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानोत्वम आपनोति ततो वायु निरोधये। बहुत बढ़िया, दूसरे का दूसरा है। ठीक है, ये वाला सब याद कर लेना, क्वालिटी दिखेगी इससे आपकी। शरीर में स्थित वायु को प्राणायाम द्वारा, प्राणायाम की अग्नि से क्षीण करके न्यून करके सम कर लेना, उसके पश्चात ही आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होंगे। अब उस अग्नि की बात आती है कि अग्नि से, प्राणायाम की अग्नि से, तो शरीर के भीतर भी एक अग्नि होगी है ना, प्राणायाम की अग्नि से क्या, उस अग्नि को जानते हैं कि शरीर में जो अग्नि है, तो अग्नि कैसी होती है मनुष्य में, मनुष्य में त्रिकोण होती है, तीन आकृति वाली, हर जगह पढ़ोगे आप, चार पैरों वाले पशुओं में कैसी होती है, चौकोर होती है, ये मनुष्य में तो त्रिकोण। कंद, एक्सक्यूज मी सर, ये तो कंद की शेप होती थी ना औरों में, यहाँ पे अग्नि का क्या मतलब है? उसी अग्नि को ही कंद है समझ लीजिए आप, कंद में ही जो अग्नि होगी है ना, वो कंद में जो आपने पढ़ा है ना त्रिकोणाकार कंद, या फिर वहां पे अग्नि है, फिर और भी चीजें जो वर्णित है इस तरह की, इसको आप उसी से कोरिलेट कीजिए, कुछ अलग नहीं है ये। ठीक है, पर यहाँ पे अग्नि का आकार दे रखा है, तो एग्जाम में आता है इससे प्रश्न, इससे आया भी है कि सर्प जाति में कितने कोण की अग्नि होती है, 6 कोण की अग्नि होती है, पक्षियों में गोलाकार होती है, स्वेदज स्वेद से संबंधित जितने भी होते हैं ना, जैसे जुआ हो, जुआ हो गया आपका, और भी चीजें होती है, वो 8 कोण वाली होती है, ये याद रखना, एग्जाम में आता है, लगता है छोटा मोटा है। अग्नि का आकार दे रखा है मनुष्य से, चार पैर पक्षियों में, पशुओं में, सर्वजाति स्वेदज में। अब आपकी शरीर में बताया है कि देह मध्य क्या है, आपका शरीर है संपूर्ण शरीर, इसमें देह मध्य क्या है, तो बताया है अपान अर्थात गुदा से 2 अंगुल ऊपर एवं मेढ्र से नीचे, मेढ्र मतलब आप स्वाधिष्ठान समझिए, गुदा से 2 अंगुल ऊपर और स्वाधिष्ठान से नीचे क्या होता है, देह मध्य बताया गया है आपके शरीर का। अब इसमें कंद का स्थान कहाँ होता है, देह मध्य तो आपने समझ लिया कहाँ होता है, गुदा देह से मध्य ऊपर, से 9 अंगुल ऊपर सर। हाँ गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेढ्र से नीचे आपका देह मध्य है। कंद का स्थान कहाँ बताया है, देह मध्य से, अब उसी देह मध्य की बात कर रहे हैं, पहले देह मध्य को जान लो फिर कंद को जान पाओगे आप, जो देह मध्य को जानता है वही कंद के स्थान को जानेगा। तो जो कंद स्थान होता है वो देह मध्य में ही त्रिकोणाकार अग्नि के 9 अंगुल ऊपर कंद का स्थान, देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर कंद का जो स्थान है, जो 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल चौड़ा है, 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल चौड़ा, घर घन के आकार का बताया गया है। सर ये इमेज मेद्र क्या है? मेद्र नेत्र, नेत्र कहाँ लिखा है इसमें, सर मेंढर पूछ रही है मेद्र वो। मेड्र, जी सर मेड्र को आप स्वाधिष्ठान से जानिए। बोलते हैं ना सर, हाँ
लिंग भी तो। हाँ लिंग भी बोलते हैं आप उसको, स्वाधिष्ठान चक्र से कोरिलेट करके जानिए, जो मेड्र है वही स्वाधिष्ठान है। कई जगह आपको जब पढ़ेंगे ना तो मेड्र और स्वाधिष्ठान कई जगह कंपेयर करते हैं तो सेम आता है निकल के। ठीक है, गुदा से तो एक बार दो। ये हाँ जी स्वेद जो 8 कोण अग्नि वाली जो है, स्वेद जो कौन सी वाली जाति होती है सर? जैसे जुआ है, स्वेद मतलब पसीना, पसीने से जो भी जीव जन्म लेते हैं पसीने से, वो स्वेदज कहलाए जाते हैं। हम मनुष्य हैं, पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, सर्प जाति जो सर्प जो होती है, सांप स्नेक्स, वह 6 कोण वाली होती है अग्नि, उनके भीतर स्वेदज में 8 कोण वाली होती है, सबसे ज्यादा स्वेदज में होती है, सबसे कम किस में होती है? मनुष्य में, मनुष्य में। मनुष्य में थोड़ा अब देखो कंध का स्थान आप समझ गए, पहले देह मध्य को जान लो। देह मध्य गुदा से दो अंगुल ऊपर, मेढ्र से नीचे, आपका देह मध्य है। फिर कंध कहाँ है? उसी देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर कंध का स्थान। जो देह मध्य जान गया कंध जान जाएगा। कैसा है वो देह मध्य के ऊपर कंध का स्थान? 4 अंगुल ऊंचा, 4 अंगुल चौड़ा है। कैसा है और कैसा है? घन के आकार का। ठीक है, ये बताया है वहां कंध का स्थान कैसा है। अब कुंडलिनी का वर्णन भी इसमें वर्णित किया गया है। उसी कंध के, जो आपने कंध पढ़ा, इसी कंध के चारों ओर कुंडलिनी लपटी हुई है। कैसे? कंध के चारों तरफ आवृत करके उसके पीछे में स्थित है। जैसे कि मान लो ये आपकी कुंडलिनी है, ठीक है, ये जो चारों तरफ घूम रही है ना, ये कुंडलिनी है। ये जैसे कि आप पीपल का वृक्ष देख रहे हो, इसको ऐसे नाड़ियों को समझाया है इस तरह से, तो ऐसे नाड़ियां जो होती है 72,000, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेना आप लोग। कुंडली समझ में आया ना? जैसे कि सुषुम्ना पढ़े थे, उसमें सुषुम्ना के चारों ओर कुंडलिनी ऐसे गोल गोल घूमकर सर्प के समान बैठी हुई है, वैसे ही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कंध के चारों तरफ आवृत करके बैठी है कुंडलिनी। कितने लपेटे इंपॉर्टेंट है? 8 लपेटे, 8 लपेटे, और अष्टधा प्रकृति स्वरूप होती है वह कुंडलिनी। अष्टधा प्रकृति में मैंने कल बताया था क्या क्या चीजें आती हैं, मन बुद्धि अहंकार और पंच तत्व, पंच तत्व। हाँ अष्टधा प्रकृति है, इससे इससे मिलकर ही कुंडलिनी बनी है। यहाँ नाड़ियों का वर्णन भी है, 72,000 नाड़ियां हैं जो पीपल के पत्ते के समान निकली हैं। ये देखो ये है आपका नाड़ियां जो ये निकली है ना ऐसे ऐसे, ये जो बीच वाली है सुषुम्ना है। ठीक है, ये बीच वाली सुषुम्ना है, और ये चारों तरफ निकली है ऐसे ऐसे, ये है आपकी अन्य नाड़ियां। अब यहाँ पे देखो लिखा होगा, और इसके बारे में जान लो। पीपल सर के पत्ते, आपने 72,000 बोला है पर इसमें 72,000 दिख रहा है। हाँ इस पे जीरो बढ़ा लो, मैंने बोला एक जीरो ये लग गया, ये जीरो एक ये लग गया, ये वाला इसको भी लिख लो। 72,000 है, 7,200 कहीं नहीं लिखा। ठीक है, मिस टाइप हो गया है, ठीक करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। नाड़ियां इसमें सुषुम्ना से शुरू होती है, सुषुम्ना, ब्रह्म नाड़ी, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूसा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कौशिका, नाड़ियों से प्रश्न आता है। ठीक है, अब सुषुम्ना कहाँ पे है? कंध के बीच में जो ऊपर की ओर जाती है। ये देखो ये कंध है, ये कंध है आपका, इसके चारों तरफ कुंडलिनी भी लपटी हुई है। इसी कंध से जो बीच से जा रही है ये है आपकी सुषुम्ना नाड़ी, बीच में अलग। ठीक है, फिर ब्रह्म नाड़ी का वर्णन भी आया, ये इसमें नया पढ़ रहे हो आप, ब्रह्म नाड़ी नया है इसमें, हाईलाइट कर लो इसको, ये हमने नया पढ़ा है, इसको अपनी मेमोरी में डालना है। ठीक है, प्राइमरी में डाल दिया, अब सेकेंडरी में भी डालना होगा, इसलिए उसको हाईलाइट कर लिया करो। वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी कहाँ से होती है? ब्रह्मरंध्र तक गमन करती है, ये भी यहाँ तक, इसको आप ब्रह्मरंध्र मान लो। ये सुषुम्ना है, यहाँ तक जाएगी तो ब्रह्मरंध्र यहाँ होगा, यहाँ पे होगा करीब। फिर ईड़ा कहाँ पे होगी? कंध के बाएं ओर, लेफ्ट साइड। पिंगला दाई ओर, गांधारी बाई आंख यहाँ पास, हस्तजिह्वा दाई आंख यहाँ पास, फिर पूषा पायुमूल से दाएं कान तक, इंपॉर्टेंट है, पायुमूल अर्थात गुदा मूल से दाएं कान तक ये नाड़ियां फैली हुई हैं। यशस्विनी गुदा मूल से बाएं कान तक, पूषा दाएं कान, यशस्विनी बाएं कान, कहाँ से? दोनों में सिमिलर है, गुदा मूल से ही। अलम्बुसा कंध से मेढ्र तक, कंध से मेड्र तक आपकी अलम्बुसा है। फिर कौशिका कहाँ पे है? कंध से पैर के अंगूठे तक, कंध से पैर के अंगूठे तक
इमेजिन करना है, शरीर के देह मध्य को बना लो, उसमें से आपको अपने या इसमें ऐसे याद कर लेना, इसमें त्रिशिक ब्राह्मण में मैंने यहाँ पे ये पढ़ा था, इस पे यहाँ पे मन को टच करके स्पर्श करके अपने शरीर को त्रिशिक में कुछ दिन तक इसको रटो। रिवीजन करोगे एग्जाम से पहले तो निश्चित ही, अगर आप अभी याद कर लोगे तो एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप सोचो कि अभी पढ़कर एक बार याद हो गया, नहीं, आपको पढ़ना है, अपनी मेमोरी में डालना है, फिर रिकॉल करने के लिए एग्जाम में, एग्जाम हॉल में आपको रिवीजन करके बैठना है। ये सर ऊपर जो जब लिखा है कि सभी नाड़ियां कंध से स्टार्ट होती है, तो ये इसमें यशस्विनी और पूसा को गुदामूल से क्यों बताया है सर? कौन सी वाली बोल रहे हो सर? ऊपर लिखा है ना कि सभी नाड़ियां कंध से शुरू होकर अलग अलग स्थानों में जाती हैं, अंगों में जाती हैं, उसके बाद पूसा और यशस्विनी गुदामूल से स्टार्ट होती है और अलग अलग स्थान तक जाती है। तो आप पूछ रहे हो पूसा यशस्वनी कंध से शुरू क्यों नहीं हुई? जी सर हो गया, एक्सेप्शनल है, जैसे कि नहीं सर वो स्थान बताओगे कि वहां से वहां तक है उसका स्थान। हाँ, जैसे इनका कहना है कि जो 10 नाड़ियां हैं वो कंध से शुरू होकर जा रही है, भिन्न भिन्न अंगों तक फैली हैं, कंध से शुरू हो रही है, कंध से शुरू हो रही है, तो आप इसको याद कर लो ये एक्सेप्शनल है, या फिर कंध जो है वो गुदामूल के आसपास है, एक्सेप्शनल केसेस को आप ऐसा कर लो, ठीक है? जैसे कि पीरियोडिक टेबल में भी कुछ चीजें एक्सेप्शनल थी, कौन सा था वो मुझे याद नहीं, याद है किसी को? एक अपवाद था उसमें, एक्सेप्शनल एलिमेंट था उसमें, जो मतलब इस श्रेणी में भी आता है उस श्रेणी में भी आता है, कौन सा था वो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उसको अब शायद हीलियम, शायद हीलियम है, हीलियम या फिर जो भी है वो, ठीक है, उसमें था एक, मुझे याद नहीं आ रहा, उसको आप एक बार देखना जाके गूगल करना, तो जो उसमें एक्सेप्शनल केस है वैसे पूछा यशस्विनी को मनोज जी आप मान लो, ठीक है, वैसे सब कंध है तो ये इसको भी कंध होना चाहिए, अच्छा प्रश्न है, पर यहाँ पे आपका पायु मूल दिया हुआ है तो पायु मूल से ही इसको दाएं कान तक गिनना, ठीक है? ओके जी सर। चलिए प्राण की बात आती है, प्राण इसमें हम क्या नया पढ़ेंगे, हम क्या जानेंगे, नया क्या है इसमें? सब तो जानते हैं प्राणापान समानुदान व्यान नागपुरम कृगल देवदत्त धनंजय, सबको याद होगा, नया क्या है इसमें वो देखते हैं। पांच प्राण सबको याद होने चाहिए, प्राणापान समानुदान व्यान, उपवायु नागपुरम कृगल देवदत्त धनंजय, मुख्य प्राण है प्राण और अपान, सभी को मालूम होते हैं। तो प्राण कहाँ कहाँ पे होती है शरीर में, ये इंपॉर्टेंट है, स्थान पूछ लेगा त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में, पूछता है, पूछेगा नहीं, पूछता है कि प्राण का स्थान कहाँ पे बताया भाइयों बहनों? मुख में, नासिका के अग्र मध्य, नासिका जो मध्य भाग होता है ना यहाँ पे, हृदय में आपका जो हार्ट है वहां पे, नाभि मंडल जहाँ पे समान वायु होती है, पैर का अंगूठा, मुझे जहां तक याद है यहाँ से प्रश्न आ चुका है प्राण का। अपान कहाँ पे होती है? गुदा, मेढ, जंघा, घुटना, नीचे वाले स्थान में, पर वो नीचे वाले स्थान कहाँ पे है? कमर से नीचे के स्थान कहाँ कहाँ पे है? गुदा, मेढ्र, वही स्वादिष्ठान में जहाँ सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जंघा, घुटना, यहाँ पे अपान वायु होती है। तो अगर प्राण की, प्राण के मुख में है, नासिका में है, हृदय में है, पैर के अंगूठे में, तो काम क्या करेगी भाई? नाभि में है तो आमाशय में जल एवं अन्न का रस एकत्र करके आपके शरीर को पुष्टि देगी, पोषित करेगी, ठीक है? अपान वायु गुदा मेढ्र जंघा घुटना में है तो और क्या करेगी? नीचे वाले स्थान में है, जंघा से कमर के नीचे वाले स्थान में है, तो जितने भी आपका मलमूत्र का विसर्जन हो, और मुझे यहाँ पे एक, यहाँ पे मलमूत्र का विसर्जन है, नॉर्मली आप आयुर्वेद में पढ़ोगे तो डिलीवरी के टाइम पे भी इस अपान वायु की जरूरत पड़ती है, ठीक है? जब ये काम नहीं करती तब शायद जाके ऑपरेशन होता है, पहले ऐसे ही होता था। सर, मेनस्ट्रुअल, हाँ सर, मेनस्ट्रुअल साइकिल में भी अपान वायु ही पीरियड्स में लेडीज के लिए अपान वायु मदद करती है। हाँ, जैसे ओल्ड टाइम्स में क्या होता था, सर्जरीज नहीं होती थी, ये अपान वायु से ही मतलब बच्चों की डिलीवरी होती थी, तो जो जिन महिलाओं का अपान वायु क्रूर हो गया या फिर काम नहीं कर रहा ढंग से, तब सर्जन्स आते थे वहां पे, तब फिर कुछ नए, तब सर्जन की जरूरत पड़ती थी वहां पे, क्योंकि उस समय भी आयुर्वेद था, उस समय भी फिर जो वैद्य हुआ करते थे वो सर्जरी जानते थे,
प्लास्टिक सर्जरी आप अभी सोच रहे हैं तो ये अभी नहीं है, बहुत पहले हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इसे खोज करके दे दिया। जो बीच में गैप आया दोस्तों, उस वजह से हमारा ऐसा लगता है कि आयुर्वेद का विकास कम है या फिर बीच में रुक सा गया। वो बीच में जो कुछ लोग आए कि हम बोले हम अहिंसा नहीं करेंगे, सर्जरी जो है उन्हें अहिंसा हिंसा लगती थी, शरीर सर्जरी हिंसा लगती थी, इसलिए कुछ ऋषि मुनियों ने इसे बोला कि हम सर्जरी नहीं होने देंगे। वो उस वजह से जो गैप आया वो भूल गए, वही वाला बात है। अब समान वायु संपूर्ण शरीर में, इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, संपूर्ण शरीर में व्यान वायु दौड़ा करती थी, पर यहाँ पे समान दौड़ रही है। समान जबकि यूजुअली आपके कहाँ होती है? नाभि नाभि में होती में होती है। समान संपूर्ण, त्रिशिक में सा से संपूर्ण याद कर लेना भाई, ये ट्रिक है इसकी। सा से सा याद कर लो, त्रिशिक में सा से सा था। संपूर्ण शरीर में है तो शरीर का पालन पोषण कौन करेगी? समान वायु करेगी। उदान वायु, उदान नॉर्मली हम कंठ में पढ़ते थे, वो रिलेट करो, पर यहाँ पे कहाँ पे है? हाथ में, पैरों में, संधि जोड़, संधि जो है ये संधि, ठीक है, यहाँ पे संधि होती है, मतलब घुटनों के बीच में यहाँ पे संधि होती है, यहाँ पे आपकी उदान होती है। काम क्या करती है? ये प्राण को नभोगामी ऊर्ध्वगामी बनाती है। काम इसका सेम ही है, उदान हमेशा से ऊर्ध्वगामी रही है, यहाँ पे भी ऊर्ध्वगामी है, ठीक है। व्यान वायु संपूर्ण शरीर में पड़े थे, लेकिन यहाँ पे श्रोत्र मतलब कान, जंघा, कमर, एड़ी, कंधे एवं गले में इसका स्थान बताया है। और करती क्या है ये? वही से संबंधित कार्य, प्राणापान वायु को काकार संपन्न करती है व्यान वायु। नाग, कूर्म, कृकल, देवता, धनंजय, सारे उपप्राणों का स्थान त्वचा, अस्थि, हड्डियों में है आपके। नाग का डकार है, कूर्म का, कूर्म वैसे पलकों में होती है तो पलकों में ही है, उन्मीलन का काम करती है, पलक झपकना। कृकल से भूख, देखो यहाँ भूख प्यास आ गया, इसके पहले कहीं पे कृकल पढ़ा है तो क्या पढ़ा था? ये कुंडली उपनिषद में का जम्भाई करके था सर साहब, जमहाई था, देवदत्त, छींकना भी तो था, छींकना हाँ छींकना था, जमहाई भी था, जबाई देवदत्त था, छींकना, छींकना था सर। हाँ ये आपका काम है, इसी को तो देखना है कि यहाँ पे ये वर्णित है, यहाँ पे ये वर्णित है, इसी इसी से तो अपने ब्रेन को आपको तैयार करना है, इसी से जेआरएफ होता है। देवदत्त से निद्रा, धनंजय, मृत शरीर की शोभा, मतलब मरने के पर्यंत भी धनंजय होती है, तो उसी को बोला है मृत शरीर की शोभा बढ़ाती है देवदत्त। देवदत्त निद्रा में काम आ रही है। निद्रा पढ़ा है कहीं? नहीं, नया है, ब्रेन नहीं में डालो, अपलोड करो। सर, तो सर ऐसे देवदत्त को रिलेट कर जम्भाई के लिए सकते है ना, हैं हम? योनिंग के लिए, तो हाँ फिर वो निद्रा से तो रिलेट होगा। वैसे रिलेट ठीक कर है, सकते हैं सर उसको। हाँ बिल्कुल, देवदत्त से करते हो ना तो बस वही है, इससे आती है हमको जमाई, अब इसी से आ रही है हमको निद्रा, मतलब निद्रा आने के पहले का जो इंडिकेशन है वही है, ठीक है। अब प्राणायाम का स्थान बताया है यहाँ पे। सर्वप्रथम एकांत स्थल में बैठिए, दर्भ कुश को लगाइए, फिर काले हिरण आदि का जो भी कुश बैठे हैं ना, ये कुश जो बैठे हैं, ये कुश लगाने के पश्चात दोनों ओर यंग समान, दोनों ओर अंग समान ना हो जाए तब तक आसन करें। मतलब ये देख रहे हो, ये दोनों ओर के अंग मतलब क्या है? हम आसन राइट साइड लगाते से हैं, करके लेफ्ट साइड से भी करके बैलेंस करना है। हाँ तब तक आसन करें। देखो जब हम पद्मासन लगाते हैं तो किसी किसी का क्या होता है, एक घुटना ऊपर उठा होता है, जबकि नॉर्मली क्या होना चाहिए, आपके दोनों घुटने जमीन को स्पर्श करने चाहिए, वो अर्ध पद्मासन हो या चाहे पूर्ण पद्मासन, वास्तविक स्थिति वही है जिसमें आपके दोनों घुटने जमीन को स्पर्श कर रहे हैं, तभी उसको उस पे बोलेंगे दोनों ओर अंग समान ना हो जाए। यथा रुचि स्वास्तिक आसन बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करना है। कैसे करना है? आसन लगाकर सर्वप्रथम शरीर को सीधा करके बैठे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि करें। ये जो बैठे हैं कौन है? आद्य गुरु शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य। इन्हीं के कारण ही जो आज हम अपने धर्म को जान पा रहे हैं ना, बहुत हद तक इन्हीं के कारण है।
नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि, फिर दांतों का स्पर्श ना करें, जिह्वा को तालु से लगाएं, स्वस्थ चित्त एवं निरामय भाव लगाएं, उसके पश्चात जालंधर बंद अर्थात सिर को आकुंचित करें, योग मुद्रा में हाथों को आबद्ध करें। योग मुद्रा कैसे होती है? पीछे से हाथ को इंटरलॉक करके वो जो क्या बोलते हैं शशांक आसन में लेटते हैं वो है सर योग मुद्रा। ऐसे ना? यस ऐसे होता नहीं, फिर उसको ऊपर उठाते हैं और शशांक आसन में लेटते हैं ऐसे सांस छोड़ते हुए। वही योग मुद्रा को हाथों से आबद्ध करें, फिर रेचक करें, मतलब पहले रेचक करना है, एक्सहेल करना है, फिर पूरक करना है, फिर कुंभक करना है, फिर रेचक करना है। इन चार विधियों से ही प्राणायाम संपन्न होगा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। प्राणायाम की चार विधियां, टाइम हो गया क्या? प्राणायाम की चार विधियां, रेचक पूरक कुंभक रेचक। रेचक होगा कुछ नहीं, पूरक कुंभक रेचक 16, 64, 32 का दे रखा है। पूरक करना है, रेचक तो आपने कर दिया, पूरी सांस बाहर छोड़ दी, इसके बाद बोल रहे हैं जो पूरक होगा 16 का, कुंभक होगा 64 का, फिर रेचक होगा 32 का। ठीक है, प्रातः काल, मध्य, सायंकाल और अर्धरात्रि आपको करना है 4 बार 20-20 के, 20-20 बार। बाहर कुंभक भी करना है सर? बाहर नहीं, कुंभक कुछ नहीं करना है इस पे, केवल कुंभक एक ही करना है जो वर्णित है यहाँ पे, हम केवल वही ही करना है 64 बार 64 का गिनती तक। ओके सर, ठीक है। अब देखिए कितने बार करना है, वही टाइमिंग 4 बार बोले, यहाँ पर 5 बार लिखा है। कहाँ पे 5 बार लिखा है? सॉरी 4 बार लिखा। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। प्राणायाम का फल है एक दिन से ही पापों का समन हो जाता है। 3 वर्ष तक नियमित अभ्यास करने से क्या क्या फल मिलते हैं? वायु जीत, वायु पर विजय, इंद्रिय जीत, इंद्रियों पर विजय, अल्पाहारी, अल्पाहारी कम आहार में ही उसका जीवन चल जाता है, स्वल्प निद्रा, कम निद्रा में ही वह अपने शरीर की बराबर मेमोरी बॉडी सब काम करता है। हम अगर 1 घंटा सो ले तो हमारा शरीर ऐसा लगेगा जैसे खत्म, कुछ नहीं कर सकता है, बेजान, तेजो में बलवान हो जाता है। अगर आप प्राणायाम के फल को देखें तो, अगर एक दिन से ही पापों का समन होता है, ठीक है, 1 दिन करोगे तो पाप मिट जाएंगे, 3 वर्ष तक करोगे तो ये चीजें प्राप्त होंगी आपको। कुछ चीजें हैं अधम, मध्यम, उत्तम की। अधम में पसीना, मध्यम में कंपन और उत्तम में ऊर्ध्वगामी, एज यूजुअल जो आप पढ़ते आए हो। अधम करेंगे तो आपकी व्याधि एवं संपूर्ण पापों का विनाश हो रहा है। मध्यम करेंगे तो आपकी महाव्याधियां, पाप और समस्त रोग। महाव्याधियां क्या होती हैं? व्याधियां वे होती हैं जो नॉर्मल डिजीज में आती हैं, ठीक है, जैसे पसीना हो, जैसे को बुखार हो गया, बुखार वगैरह, फीवर वगैरह डिजीज जो है वो नॉर्मल व्याधि में आएगी। महाव्याधि जो बड़े विकार होते हैं वो समाप्त होंगे। पाप, समस्त रोग, पाप इससे भी जा रहा है, पाप इससे भी जा रहा है, पर इसमें महाव्याधि के साथ। उत्तम प्राणायाम में क्या है? उत्तम प्राणायाम अगर आप करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा 3 वर्ष जैसा होगा। इसमें क्या होगा? अल्प निद्रा, अल्प मलमूत्र, लघु शरीर, हल्का शरीर, अल्पाहार, इंद्रिय बुद्धि तीव्र, तीनों कालों को जानने वाला, ये है उत्तम प्राणायाम। अब करना कब है? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के समय होता है। शीतली प्राणायाम करते हुए जिह्वा द्वारा वायु को खींचना है 3 मास से। इससे ही आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वाक सिद्धि मतलब सही हो जाएगा। हाँ, वाक सिद्धि अर्थात तथास्तु, जो बोलते ना तथास्तु, आपने कोई भी सिद्धि मांगी कि प्रभु मुझे ये चाहिए और आपने ऐसा बोला तथास्तु, उसके पास तुरंत प्रकट हो गया। ऐसे होता था पहले जमाने में, पहले जमाने का मतलब आध्यात्मिक बातों में। 6 मास में ही महारोग से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। अब प्रत्याहार, योग दर्शन में सत्य का फल पढ़े हैं ना सर, क्रिया फलाश्रयत्वम, वही वाला वाक से सत्य फला क्रियाश्रयत्वम जो है ये वही चीज है। मतलब आप जो मुंह से बोल दें, आशीर्वाद देने के और आप श्राप देने के, दोनों का ही सामर्थ्य आपके भीतर आ जाता है। आपकी साधना ऐसी होती है, इसलिए ऋषि मुनियों से आशीर्वाद, उनके चरणों में बड़े बड़े देवता भी ऋषि मुनियों के पैर छूते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए
क्योंकि उनके पास वो सिद्धि है। महाभारत में भी एक ऋषि आ रहे होते हैं चलते फिरते, गुस्सैल जो होते हैं, ऋषि दुर्वासा, क्योंकि ऋषि है पर थोड़ी से सनकी है, ठीक है, थोड़े से सनकी होने के कारण मतलब डर था कि अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो हमें श्राप दे देंगे, तो हम हो सकता है कि हम चूहा बन जाए, घोड़ा बन जाए, बिल्ली बन जाए, कुछ भी बन सकते हैं, या फिर यही बनने की हम श्राप दे सकते थे, और आपको ये भी दे सकते थे कि आपके आपके बच्चे आपको ये मतलब कुछ भी जो भी उम्र है मर्मस्थल श्राप देते थे, वो भी तो सबके लिए फलदायी रहता था उनका श्राप। श्राप फलदायी कैसे हो सकता है? लेकिन दुर्वासा जब वो आशीर्वाद का रूप लेगा तो वो आशीर्वाद बनेगा, अगर वो आपके नेगेटिव पॉइंट में है तब वो श्राप बनेगा, मतलब जिससे आपको हानि हो, जिससे आपको पीड़ा हो, वो श्राप है। देखिए प्रत्याहार जानते हैं, चित्तस्यान अंतर्मुखी भाव प्रत्याहारस्तु सत्तमा, चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार है, एक स्थल से दूसरे मर्म स्थल को खींचना ही प्रत्याहार कहलाता है। अब हमारे मर्म स्थल क्या क्या होते हैं शरीर में? मर्म स्थल अर्थात होता है हमारे शरीर के गूढ़ रहस्य जहां छिपे हुए हैं, गूढ़ रहस्य स्वरूप आपका कहां छिपा हुआ आपके शरीर में, तो यहां बताया है मर्म स्थल, यहां पे वशिष्ठ का, यहां पे त्रिशिक ब्राह्मण का, यहां पे पैर का अंगूठा, एड़ी, जांग का मध्य भाग, गुदा का मूल भाग, हृदय, उपस्थ, देह मध्य, नाभि, कंठ, कोहनी, तालु मूल, नासिका मूल, आंखों का मंडल, भ्रू मध्य, ललाट, मस्तक का मूल भाग, घुटने का मूल भाग, फिर हाथों का मूल भाग, ये मर्म स्थल है। हेलो कोई है? यस एक मिनट, मेरा माइग्रेशन आ गया, एक मिनट आ गया भाई, वेट अ मिनट गाइस, आई विल बी बैक, वेट फॉर अ व्हाइल, बिंड पे सारा वो आया है, उसको ओपन किया हूं मैं, क्योंकि वो बेकार में सब कुछ आके आ गया हमारे लिए, नहीं खोलेगा उसको फाड़े करेगा बहुत बढ़िया भाई, मतलब मेरा काम जा रहा है, पैर सब रुक जाता है इसमें ताक के बैठा है इसको कब से। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई। मैं दिख रहा हूँ क्या? जी सर। यस सर। ये हमारा माइग्रेशन है, माइग्रेशन हमारे बरकतुल्ला में बाय पोस्ट आता है। अब जाओ बोलो कि सर मुझे मेरा माइग्रेशन चाहिए तो ऐसे नहीं मिलता हूँ, एक महीना बाद आया है, इस वजह से साले बहुत सारे काम रुक पड़े हैं मेरे। चलो शुभ दिन है आज, सबका शुभ दिन हो, थोड़ा सा स्पीड चल लेते भाई, इसको याद करना है आपको, इससे आपको कंपेयर करके याद करना है, यहाँ पे भी शरीर के मर्म स्थान याद करोगे और यहाँ पे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना याद करने का 2 नंबर मिलेगा आपको। जब आप वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे तो आपको वहां पे भी ये चीज पढ़ने को मिलेंगी। वशिष्ठ संहिता का तो सरल है, इसका थोड़ा सा कठिन है, हल्का सा कठिन, क्योंकि हम मस्तक में पहुंचने का तुरंत वापस से घुटने में पहुंच गया, फिर हाथ में पहुंच गया, ठीक है। हाँ, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ 65 तो का है उदाहरण में, 65 बोले वशिष्ठ संहिता पर, वशिष्ठ संहिता में पादांगुल शून्य और 65 के लिखे ना, वो क्या है सर? 65 कहाँ लिखा है? ये बाजू में है देखो, उदाहरण में अंगुल है, क्या है उद्धरण है, वो इससे संबंधित नहीं है, ये देखिए ये अलग है और ये अलग है। हाँ, ये अलग है, ये अलग है, इसमें 65 वो समझ में नहीं आया, ये आप याद मत करो इसको, जो चीज काम की नहीं वो याद मत करो, ठीक है ओके सर। मैं पेज नंबर है क्या, अंगुल है, मेरे को समझ में नहीं आया इसलिए मैं आपको। हाँ, शरीर के मर्म स्थान स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, इंडेक्स में आप देखेंगे, तो ये आपको याद करना है, समझ रहा हूँ क्या, इसको पैर का अंगूठा क्या होता है,
एड़ी क्या होती है, जांघ का मध्य भाग सबको मालूम है, बढ़ते जाओ ऊपर, पैर का अंगूठा, फिर एड़ी पकड़ो, फिर जांघ का मध्य भाग, फिर गुदा का मूल भाग, फिर हृदय, फिर वापिस से उपस्थ, उपस्थ मतलब सेक्स ऑर्गन्स, फिर देह मध्य, फिर नाभि, फिर कंठ, फिर कोहनी, फिर तालु का मूल, फिर नासिका का मूल, फिर आंखों का मंडल, आंखों का मंडल मतलब ये जो नेत्र गोलक जहां होते हैं आपके ऑर्बिट, भ्रूमध्य हमारा यहाँ होता है, ललाट ही होता है, मस्तक का मूल भाग, ये मस्तक होता है हमारा यहाँ पास, यहाँ का मूल भाग मतलब यहाँ पास करीब, फिर घुटने का मूल भाग, वापस से घुटने में आ गए, नी, फिर हाथों का मूल भाग, हाथों का मूल भाग कहाँ पे होगा, हाथों का मूल भाग इधर से होगा, इधर से मान लो आप, ठीक है, यहाँ पास, हाँ यहीं कहीं मान लो हाथों का मूल भाग, ठीक है। अब एक स्थल से दूसरे मर्म स्थल को खींचना ही प्रत्याहार है, अगर आप एड़ी में हैं तो एड़ी से जांघ के मध्य भाग में अपना ध्यान ले जाएं तो यही प्रत्याहार है, ठीक है, अपनी सारी इंद्रियों को एड़ी से जांघ के मध्य भाग में लगाएं, यही प्रत्याहार है, जांघ के मध्य भाग से गुदा के मूल भाग में लगाएं, यही प्रत्याहार है, फिर हृदय में लगाएं, फिर उपस्थ में लगाएं, मतलब अपने सारी इंद्रियों को यहां से वहां ट्रांसफर करना, मतलब हर पूरी एक जगह लगा देना, यही प्रत्याहार है। यहाँ गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, ये जो हमारा देह है ना, ये जो ऋषि मुनियों ने बोला कि हमारे मर्म स्थल 18 है, इन पर आपको प्रत्याहार करना है, इन मर्म स्थानों में आपके गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, उनको जानने के लिए आपको ये करना होगा, अगर आपको जानना है तो आप कीजिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है, केवल पढ़ना नहीं है, ये प्रत्याहार को शिफ्ट कैसे करेंगे, मतलब एक पोजीशन दूसरी पोजीशन, प्रत्याहार होता है कि चित्त की जितनी भी आपकी इंद्रियां, चित्त है ना, जितने भी आपकी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो भी हैं, जितना कुछ पहले आपने हृदय में लगाया, सारी इंद्रियों को, आपका पूरा सेंस ऑर्गन और जितने भी एक्टिविटीज वाले ऑर्गन्स है, मतलब कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जितनी भी हैं आपकी, सारा आपने हृदय में लगाया, फिर आपने हृदय से लगाने के बाद तुरंत उसे शिफ्ट किया आपके कंठ में, पूरा ध्यान कंठ में आ गया, मतलब वो एक तरह का प्रत्याहार है, प्रत्याहार और ध्यान में यही अंतर है, समझ आ रहा है? यस सर, यस सर, यही होता है, उपस्थ बोले तो क्या बोले सर, करेक्ट सुनाई नहीं आया, उपस्थ सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू, ये हो गया, आपको याद करना है भाई, क्यों याद करना है, वो आप समझदार हो, इसी के जरिए बहुत बढ़िया लक्ष्मी, धारणा क्या होती है, चित्तस्य निश्चली भावो धारणा धारणम बिंदु विदु, ये आता है एग्जाम में, संस्कृत याद कर लो भाई साहब, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है प्रश्न, अगर आपके अष्टांग योग से संबंधित है तो पक्का याद कर लो, इफ यू वांट जेयर देन, चित्त का निश्चल अचल भाव धारण करने ना ही धारण है, मतलब चित्त को अचल, चित्त का अचल भाव ही धारण करना धारणा, सरल है, धारण करना ही धारणा है, धारण करना ही धारणा है, क्या धारण करना, चित्त का निश्चल भाव धारण करना धारणा है। अब ये धारणा के बारे में बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी, मनसो धारणा यतद युक्तस्य च यमादि भी धारणा सा च संसार सागर कारणम, मतलब यम आदि के द्वारा मन का धारण एकाग्र करना ही धारणा कहलाता है, यम मतलब शरीर, यम क्या पढ़े हो, शरीर और इंद्रियों के प्रति वैराग्य का भाव धारण कर लेना ही इसमें यम बताया है, तो इसमें उन यम नियम का पालन करने के पश्चात ही आप धारणा कर पाओगे, कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ अंतर नहीं है, जब आपकी एकाग्र शक्ति कैसे आएगी, जब आपकी विरक्ति होगी भगवान के प्रति, आप जब वैराग मतलब जब आपका संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनके प्रति उदासीन भाव, मतलब जितनी भी चीजें आपने पढ़ते आ रहे हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जितनी भी चीजें अभी तक करते आ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि सीधे हम धारणा लगा लिए, नहीं होता है, यम कीजिए, नियम कीजिए, उसके पश्चात ही आप धारणा तक पहुंचिए, क्योंकि यम नियम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कोई भी साधक यम नियम का पालन नहीं करता इसलिए आज सिद्धि नहीं मिलती, हम सीधे आसन और प्राणायाम करते हैं क्योंकि हमको अपनी केवल भौतिक जगत दिखता है, यम नियम कोई नहीं पालन करता, ठीक है, इसीलिए सारी चीजें नहीं है आज के डेट में,
कोई ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता। लोग बाग बहुत बड़े बड़े 24-24 फीट के होते थे पहले। समय बढ़ा, लोग बाग बड़े, कमजोर कमजोर प्रजाति आने लगी, कमजोर जीन आने लगे। आजकल के बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, 5 साल में उनके बाल झड़ रहे हैं, 5 साल में उनकी आंखों की रोशनी कम है। क्यों है? इसीलिए हम अपनी नस्ल को मजबूत बनाएंगे, हमारे ऊपर है। हमारे बच्चे कैसे पैदा होंगे हमारे ऊपर है। तो ये चीजें बहुत पहले से चलती आ रही। आप जैसे होंगे आपके बच्चों को वैसा संस्कार जाएगा, आपके संस्कार जैसे होंगे आपके बच्चे वैसे पैदा होंगे। अगर आप अच्छे संस्कार देंगे तो भी अच्छा होगा। जो संस्कार उसके पास रहेंगे वो अपनी पीढ़ी को देगा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी कालांतर में चलता जाएगा ये। और यही कालांतर जो है रुक चुका है, इसलिए ये सारी चीजें आज आपको देखने को नहीं मिलती। कारण यही है। पंच तत्व धारणा बताई हुई है, धारणा के भीतर धारणा कैसे करनी है। अगर आप ये धारणा करते हैं तो आपको फल मिलता है कि आप संसार रूपी समुद्र को पार करने में सक्षम हो जाते हैं, तब संसार सागर से तर जाते हैं। अब पंच तत्व धारणा जो है, इससे प्रश्न आता है, इसमें 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ऐसे याद करना। स्थान कहाँ पे होता है? पृथ्वी होती है पैर से घुटना तक, जल होता है घुटने से कटी तक, अग्नि होता है कटी से, कटी मतलब होता है कमर, है कटी मतलब कमर। सूरज देखो, पैर से अंगूठा, पैर से घुटना, मतलब पैर से समझ लो आपका जो पैर का अंगूठा है ना, वहां से घुटने तक हो गया आपका पृथ्वी तत्व। इमेजिन करो, आगे बढ़ो। जल तत्व जो है आपके घुटने से कमर तक, ठीक है। अग्नि का है आपके कमर से आपकी नाभि तक, फिर वायु तत्व आपके नाभि से नाक तक, फिर आकाश तत्व आपके नाक से ब्रह्मरंध्र तक है। ये आपकी तत्व का स्थान है, इससे प्रश्न आता है 2 नंबर में। अभी इंपॉर्टेंट है पृथ्वी का रंग कैसा है। पृथ्वी पीली है, ये जो रूम है ये पृथ्वी है, ये पीला है, सकर याद कर लो, पृथ्वी पीली है। जल श्वेत है, अग्नि लाल है, कोई डाउट नहीं। वायु, वायु धूम्र है, धूम्र मतलब धुएं के समान, उसका रंग है वायु तत्व का, ठीक है। आकाश, आकाश नीला है। सब सिंपल है यहाँ पे। आगे जब योग तत्व पढ़ोगे ना तब मजा आएगा, अभी तो इजी है। अब देखो, पृथ्वी तत्व पे 5 घटी करना है 2 घंटे, जल तत्व पे 10 घटी करना है, अग्नि तत्व पे 15 घटी, वायु तत्व पे 20 घटी, आकाश तत्व पे समय नहीं दिया, क्योंकि आप फिर जब आकाश जब इतना कर लोगे ना 20 घटी, फिर आकाश तत्व में करोगे तो उसमें समय का कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर आकाश तत्व सर्वश्रेष्ठ तत्व होता है, शरीर के बाहर होता है, आपके शरीर में ही होता है पर शरीर के बाहर आप उसका औरा मान लो। पृथ्वी तत्व के देवता चतुर्भुज हरि होते हैं। हरि मतलब कौन? भगवान विष्णु, नारायण, भगवान विष्णु नारायण। देखो यहाँ पे अंतर क्या है, पृथ्वी के जो है चतुर्भुज नारायण है, मतलब चतुर्भुज हरि, जल के नारायण है। नारायण जी जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो जल में होते हैं। अब अग्नि के देवता कौन है? प्रद्युमन। प्रद्युमन कौन से देवता है मुझे याद नहीं है, सर वो देखेंगे। सर प्रद्युमन सर कृष्ण के बेटे का नाम है। हाँ, कृष्ण के बेटे, हाँ, कृष्ण के बेटे का नाम है। तो उनके बेटे का नाम है ना, उनके बेटे कोई देवता थोड़ी थे। देवता थे, बाकी जितने भी लोग थे वो सब हम थे। सर फिर प्रद्युमन कामदेव है, कामदेव जो दूसरे जन्म लिए तो प्रद्युमन बन के आए थे। हाँ हाँ, ये स्टोरी है बराबर। कामदेव है सर, जैसे वरुण देव, कामदेव, अग्निदेव, वैसे। अच्छा, बैटरी डाउन। आज 3-6 पढ़ के जाओगे आप लोग, ठीक है? जिसको जाना है यू कैन गो, पर मैं यही होप करता हूँ आप लोग पढ़ लो फटाफट, क्योंकि 3-6 आज खत्म करना ही है। प्रद्युम्न जी के बारे में हम कल देखेंगे, जो भी डाउट है लिख लो। प्रद्युम्न क्या है, संकर्षण क्या है, और आकाश तत्व के है वासुदेव। संकर्षण जानता है कोई? यस सर, संकर्षण तो हुए थे ना बलराव जी जो है, क्योंकि वो संकर्षण क्रिया से हुए थे ना, वो मतलब उनके पेट से उनके पेट में शिफ्ट किए गए थे, तो उनको संकर्षण बोलते हैं। ठीक है, इस पे और चर्चा विमर्श करूंगा। केवल यहाँ वर्णित है संकर्षण वासुदेव, मैं भी वो किताब में भी देखा था, पर ये है क्या एक्चुअल में, थोड़ा सा और देखेंगे इस पे रिसर्च, ठीक है।
अभी देखो आप लोग, आकार पृथ्वी का आकार चार कोण, जल का आकार अर्ध चंद्रमा, अग्नि का आकार अग्नि की लपेटों की तरह, वायु का आकार वेदी की तरह, आकाश का कोई आकार नहीं है। अब ध्यान, सोहम चिन्मात्र में वेति चिंतनम ध्यान वच्यते, मतलब मैं चिन्मात्र स्वरूप, चिन्मात्र मतलब, चिन्मात्र मतलब क्या, बिल्कुल सूक्ष्म सर, एक बिंदु की भांति सर, हाँ चिन, मैं चिन्मात्र स्वरूप हूँ, मैं मतलब परमात्मा, वो जो बिंदु रूप हूँ वो परमात्मा का हिस्सा हूँ, वो जो परमात्म तत्व है, है ना, चिदानंद स्वरूप जो परमात्म तत्व है, मैं उनका एक बिंदु हूँ, इतना सा ऐसा याद कर लो ध्यान में, मैं उनका बिंदु रूप हूँ, उन्हीं का अंश हूँ एक बिंदु रूप में, उसी को बोल रहा है मैं चिन्मात्र स्वरूप हूँ, यही चिंतन भाव करना ही ध्यान कहलाता है, मैं उन्हीं का ही अंश हूँ। ध्यान की विधि बताई है कि योगासन में बैठ जाए, हृदय प्रदेश में हृदय की विशेष आकृति का चिंतन कर दे, अपने हृदय में हृदय की जो आकृति है उसका चिंतन करें, फिर नासिकाग्र दृष्टि रखें, जिह्वा को तालु से स्पर्श करें, दांतों को दांत से स्पर्श करते हुए, इंद्रियों को संयमित करते हुए परब्रह्म परमात्मा वासुदेव का ध्यान करना है। वासुदेव कौन है हमारे, श्री कृष्ण भगवान। कैसे करना है समझ गए ना, योगासन आसन इंपॉर्टेंट है, दृष्टि इंपॉर्टेंट है, ध्यान किसका कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप ध्यान 3 घंटे तक करते हैं तो आपको एक प्रहर मतलब 3 घंटा, हमारे पूरे 24 घंटे में कितने प्रहर होते हैं, 8 सर, 8 8 × 3 24 आवर हो गए, ठीक है, एक प्रहर में 3 घंटे तो 24, 8 प्रहर में 24 घंटे होते हैं, तो केवल आपको एक प्रहर तक 3 घंटे तक ही ध्यान का फल क्या मिलेगा, जो योगी 3 घंटे तक करते हैं उनको उन योगियों को परब्रह्म वासुदेव का ध्यान करता है उसे 7 जन्मों के पाप से नष्ट हो जाते हैं, जो 7 जन्म होते हैं उनके पापों का नाश हो जाता है, ध्यान का फल इसमें बताया है कि ध्यान करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आती चीजें। हम सोचते हैं केवल हम अपना विकास कर रहे हैं, हम अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ा रहे हैं, पर ये चीजें बहुत ऊपर है, हाई लेवल है। आखिर ये देख लो अवस्था, ध्यान जो होती है वो 3 अवस्थाओं में होती है, जागृत स्वप्न 4 अवस्थाओं में होती है ध्यान, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया। ये जो आपका चिन्मात्र स्वरूप हो, जागृत स्वरूप में जब आप लगाओगे वो नाभि से हृदय तक होगा, नाभि से हृदय तक, ये नाभि से हृदय तक क्या है, जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था कहाँ पे है, कंठ तक, हृदय से कंठ के मध्य आपका स्वप्न अवस्था है, फिर सुसुप्त अवस्था, फिर कंठ से तालु के मध्य, तालु यहाँ पास होता है, तालु पता है सबको, फिर तुरिया अवस्था कहाँ पे होती है, आपके तालु मध्य से भ्रू मध्य तक आपकी तुरिया अवस्था होती है, यहाँ पे अपने इस चिन्मात्र स्वरूप का चिंतन करना, ठीक है, ध्यान का फल लगाने को बोला है इन अवस्थाओं में, जागृत में हो तो यहाँ, स्वप्न में यहाँ, सुसुप्ति में यहाँ, तुरिया में यहाँ, ये स्थान दे रखे हैं, ठीक है। और फिर समाधि आ जाती है, कितना अलग है ना ध्यान, हम ध्यान कहाँ पे करते हैं नॉर्मली, एक्सक्यूज मी सर, मतलब इसमें लाइक स्थान, मतलब इस वाले जागृत अवस्था, इस अवस्था में इस दिन जगह पे ध्यान लगाना है, ऐसा बोला है, हाँ अवस्थाएं तो, 4 अवस्थाएं तो अवस्था में जब आप ऐसा समझ सकते हो, जब साधक ध्यान करेगा तो पहले वो जागृत अवस्था में होगा, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ पे दे रखा है आपको, स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो कैसे करोगे, नाभि से हृदय तक अपना ध्यान लगाओगे, नाभि से हृदय के मध्य, नाभि से हृदय तक आपने लगा दिया ना, फिर बाकी की जो चीजें हैं, देखो ध्यान की चीजें आपको कौन बता सकता है कि आपका ध्यान कहाँ था, पर ये आपको इमेजिन करना है कि आप ऐसे साधक हो, एक ऐसे योगी हो और आप ध्यान में बैठे हो, आपके गुरु ने आपको केवल ये बात सिखाई कि जब आप जागृत अवस्था में रहें, जब आपकी चेतना जागृत अवस्था में, सांसारिक पदार्थों से जुड़ी हुई जब तक है, मतलब आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी यहाँ पे है, मतलब पूर्ण रूप से सिद्धि नहीं है तब की अवस्था, उन्होंने बोला नाभि से हृदय तक अपना आपको ध्यान करना है। सर जैसे एग्जांपल में, जैसे हम कोई बिंदु को देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो वो हमारा धारणा हो गया,
अगर हम उसको देख रहे हैं तो वो धारणा हुआ, तो जैसे धारणा हुई हम उसको देख रहे हैं एक घंटा तक देखते हैं ये देखते हैं तो हमारा धारणा हुआ, तो उसमें अपने आप ध्यान लग जाता है। हाँ देशबंध चित्त से धारणा जी प्रत्येक तांता ध्यानम लगता है मेरे को अष्टांग योग आप लोग को उसका पढ़ाना पड़ेगा। देखो कॉन्सेप्ट वही है जब आप विस्मरित हो जाते हो ध्यान में है ना, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है कोई बताएगा? आप अभी पढ़ के आए हो पतंजलि योग दर्शन, ध्यान और समाधि में क्या क्या ध्यान में हमें पता रहता है सर कि वस्तु कौन सी है करके, और समाधि में पता ही नहीं रहता कि हम कौन है और वस्तु मतलब किस पर हम ध्यान लगा रहे हैं, सब एक जैसा हो जाता है, समाधि तदैवार्थमात्र स्वरूपम स्वरूप शून्यमेव समाधि। हाँ तदैवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। हाँ तो देखो देखो ध्यान में क्या होता है, हमको हमारे लक्ष्य पता होता है ना, फिर समाधि में क्या होता है हम किस लक्ष्य पे ध्यान लगा रहे हैं हमको वो भी नहीं मालूम होता, हम उस पर ही गुम हो जाते हैं विस्मरित हो जाते हैं, जैसा बूंद जो होता है पानी में गिरता है वैसा पता नहीं कहाँ गया उसको अपना स्वरूप नहीं मालूम होता, वैसे ही है जब हम समाधि में जाते हैं तो हमको हम किस पर ध्यान में थे मतलब उस पे ही विस्मरित हो जाते हैं पूर्ण रूप से, है ना। तो इसमें ही ध्यान है, ये जागृत अवस्था में आपको नाभि से हृदय तक आपको ध्यान करना है, स्वप्न अवस्था में कंठ पर ध्यान करना है, सुषुप्ति अवस्था में तालु के मध्य में ध्यान करना है, तुरीय अवस्था में भ्रू मध्य में ध्यान करना है, ये क्षेत्र है ठीक है। अब समाधि क्या है, फिर ध्यान का पूर्ण रूपेण विस्मरण कर देना समाधि, वो जो चिन्मान स्वरूप आप जो जान रहे थे वो कौन था, वो जीवात्मा थे, कौन था वो जीवात्मा था, वो चिन्मात्र स्वरूप जानना वो चिन्मात्र था। अब उसी चिन्मात्र स्वरूप की कहानी आगे बढ़ती है, जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात मैं ब्रह्म हूँ इस स्थिति तक पहुंच जाना ही समाधि, मतलब वो चिन्मात्र स्वरूप जो जीवात्मा थी वह परमात्म तत्व के अंश से जाकर मिल गई, परमात्मा ने ही उस अंश को जन्म दिया था ताकि यह जाए प्रकृति का भोग करे तब जाकर अपवर्ग में आए, उस परमात्मा ने ही आपको भेजा है भोग करने के लिए। जब वह जीवात्मा इस संसार का भोग कर लेती है जान जाती है, फिर यम नियम आदि आसनों का प्रयास करके अभ्यास करके जब जान जाती है कि वास्तविक जगत मिथ्या है, जो वह कर रहा है वह यह नहीं है, जब इस गूढ़ रहस्य को जानकर जब वो योग के अष्टांग योग का पालन करके जब वो इन सब को जानकर क्या होता है, वो जीवात्मा परमात्मा में वापिस मिल जाता है, मतलब कार्य का कारण में विलीन हो जाता है, घड़ा जो बना है वो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में ही मिल जाता है, वैसे ही जो जीवात्मा परमात्मा से बना है वो उसी में मिल जाता है, और क्या समझता है स्वयं को, ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, इस स्थिति तक पहुंचना ही समाधि है। कॉन्सेप्ट हमेशा से यही रहता आया है यही रहेगा, और जो योगी संसार में सुसुप्ति जैसी अवस्था में रहने लगता है वैसा श्रेष्ठ योगी केवल अवस्था तक प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। केवल अवस्था तक कैसे पहुंचते हैं, सुसुप्ति अवस्था में जो रहता है वो केवल तक पहुंच जाता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर प्रश्न पूछता हूं, प्रश्न कल पूछ लूंगा, पर आप लोग पढ़ोगे भी तो यार प्रश्न पूछ ही लेता हूं। त्रिशिक के अनुसार वस्तुओं में एक मिनट, मैं देखता हूँ कितने मस्त से मेरी क्लास पढ़े हो आप लोग। राजदीप पाल, यस सर, चलो आपके लिए प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पे, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव होना क्या है? सर वो तो आसन का लक्षण हो गया। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, सिक्स दे मारा आपने तो, चलो नेक्स्ट राम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर आते हैं तो दिल गदगद हो जाता है भाइयों। मनीषा जाजू जी, ये प्रश्न आपके लिए। हाँ सर, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में प्राण वायु के निवास स्थान कहाँ कहाँ पे है? सर पैर का अंगूठा, नाभि मंडल और शायद हृदय, तीन है सर। मुझे कूट बताइए, मुझे हाँ ये नहीं सुनना कि कहाँ कहाँ है, कूट बताइए मुझे। 1, 2, 3, 4। हाँ सर, एक
डी ई सर तीन है सर ए डी ई तीन है सर। बहुत बढ़िया वनीसा जी, दिल खुश कर दिया आपने, दिल खुश कर देता मेरा। अगला प्रश्न, ऐसे देखो कितने हम मन लगाकर पढ़ा है हमने तो हमको बन रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना भाई लोग, सब बनता है। अब हमको बताएंगे इसका उत्तर कौन बताएगा, रुको भाई देख लो प्रश्न देख लो आप लोग, आखिरी प्रश्न है फिर हमारी क्लास हो जाएगी ओवर। ये देख लो उत्तर, इसमें त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार यम है। मैंने आज पूछा नहीं यम क्या है, नियम क्या है, वो मैंने आपको बोला था याद करने को, फिर किसी दिन पूछ लूंगा रैंडमली माइक ऑन करवा के। देख लो एक बार क्वेश्चन देख लो आप लोग, गौर करके देख लो, यम क्या क्या है, क्षमा दया धैर्य दान व्रत। देख लिए, कौन बताएगा, अरे साक्षीपाल रश्मि खरे, अदिति सेन, अदिति सेन बताइए। सिन पूछे था अदिति सेन कौन है, जो भी अदिति सेन है अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए कि इसमें क्या इसका उत्तर क्या होगा। माइक ऑन किए सर। हाँ बताइए अदिति जी, चलिए दया है सर, कूट देख रहे नीचे आप, मतलब ए में टिक कर लेती और एग्जाम में माइनस टू हो जाता आपका, थोड़ा सा बी प्रेजेंट रहो यार यहाँ पे, कूट देख के आंसर किया करो है ना, कूट देखा करो, कूट में क्या प्रश्न आया हुआ है। हमको अब बताएंगे किसका नाम लें, किस पे लगाएं, साक्षी पाल पढ़े नहीं हो, रिवीजन नहीं किया ना, रिवीजन किया हो, पता सर, तो इसमें पूरा श्लोक सुनाओ, श्लोक सुनाओ, श्लोक तो नहीं सर पर ये बता सकती हूँ कि क्या क्या है। चलो वो तो ठीक है, वो तो वो क्वांटिटी है, मेरे को क्वालिटी देखनी है, प्लस टू उसमें भी है पर मुझे क्वालिटी देखनी। श्लोक कौन सुना रहा है? मैं सर, आसन सर, आसन नहीं सॉरी अहिंसा सत्ता, एक मिनट कौन सुना रहा है? लक्ष्मी सर। और कोई है सुनाने वाला? लक्ष्मी जी तो सुनाती ही है। सर मैं सुना रही हूँ, अहिंसा सत्य अस्तित्व ब्रह्मचर्य दया आर्जवम क्षमा धैर्य मिताहार शौचार यमः। चलो लक्ष्मी सुनाओ। जी सर, अहिंसा सत्य अस्तित्व दया आर्जवम मिताहार शौचार यमः दशा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका क्या बोलते हैं ये वाला सर, ए बी एस सी मीन्स दया क्षमा और क्या बोलते हैं धैर्य। श्लोक में कहाँ पे आया ये वर्ड? दया सर, दया आया है और उसके बाद है, एक मिनट, यही तो है ना सर, देखिए दया आया है और क्या बोलते हैं क्षमा आया है छठवे नंबर पे और फिर है उसके बाद ये लास्ट वाला धैर्य है वो धृति करके आया है सर, मीन्स दया और क्षमा धृति। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो ये आज आप लोगों ने अपने अंदर, अरे रुको यार अभी एक क्वेश्चन बचा है, चित्तस्य निश्चली भावो धारणा, धारणा की उपरोक्त व्याख्या कहाँ पे पढ़ी है आपने मुझे बताएंगे, योगाविद रजनी आप बताओगे कहाँ पढ़े हो ये चित्तस्य निश्चली भावो धारणा, किस उपनिषद में पढ़ा आपने सर? क्वेश्चन एक बार और, ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे, मैं क्यों पूछूं आपसे क्वेश्चन, आपके यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। हाँ सॉरी सर, ठीक, चित्त से निश्चलो भाव धारणा के
अभी तो पढ़ा है सर हमने, निश्चल भाव ही धारणा है, निश्चल में भाव, निश्चल भाव ही धारणा है, अभी पढ़ा है ये योग उपनिषद में। किस उपनिषद में पढ़ा है जी? जी सर मैंने अभी यही नोट्स में यही नोट कर रही थी कि निश्चल भाव धारणा, चित्त का निश्चल भाव ही धारणा, धारण कर लेना ही धारणा है। कहाँ पढ़ा है आपने इसको? सर अभी अभी पढ़ाया आपने सर। तो किस उपनिषद में पढ़ा आपने? वैदिक ब्राह्मण निषद। चलो ठीक है, चलो मैं त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में अभी आपने पढ़ा, ठीक है, ये जो प्रश्न आया था ये आपने अभी भी पढ़ा, चित्तस्य निश्चली, चित्त का निश्चल भाव धारण कर लेना ही धारणा है, मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले बोला है वर्ड, तो ये धारणा हमने अभी जस्ट त्रिशिक ब्राह्मण में पढ़ी, चौथा आंसर इसका बिल्कुल सही है। अब आप लोग से त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद आप लोगों ने पढ़ लिया, आप फटाफट अपना फीडबैक दे दो फिर हम लोग चलते हैं। जो समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हो आप लोग। फिर अभी सर की क्लास है, मनोज जी आ गए क्या? नो सर, आज उनकी तबीयत खराब है, वेदर कंडीशन खराब है तो नहीं लेंगे बोले हैं। मनोज जी बहुत बीमार चल रहे हैं। कुछ ऐसी चीज जो आपको नया सीखने को मिला, कुछ लगा कि सर ये गलत था, ये यहाँ पे कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आया, जो भी आपको जो भी साक्षी पाल सुपर डुपर एक्सलेंट क्लास सर, मैं जो आप बोल रहे थे स्वाधिष्ठान के पास, स्वाधिष्ठान हार्ट में होता है क्या जी? मेटर बोल रहे थे सर स्वाधिष्ठान के पास। हाँ तो मेटर फिर वो नीचे होता है बोल रहे थे उपस्थिति के आसपास। आपको प्रश्न नहीं समझ पाया, मेटर जो होता है स्वाधिष्ठान के पास ही होता है सर। तो मतलब स्वाधिष्ठान मतलब हार्ट के पास? ना बाबा, ना स्वाधिष्ठान आपके सेक्स ऑर्गन पे होता है। अरे सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, अनाहारा स्वाधिष्ठान में। हां किस उपनिषद में आपने प्राण पढ़ा है ये बताओ जी सर? स्वाधिष्ठान चक्र का निवास स्थान प्राण में पढ़ा है, कहां पढ़ा है? नहीं सर कंफ्यूज इस बात में हो रहा था, स्वाधिष्ठान और अनाहत में कंफ्यूज रहा, अनाहत हार्ट का है और स्वाधिष्ठान वहाँ स्टार्टिंग वाला है सबसे पहले जो उपस्थ के पास होता है, तो उसी को मतलब कंफ्यूज होता था। ठीक है, ठीक है, मैं अच्छा है, चलो आप लोग को समझ में आई होगी क्लास, होप करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। पाठ करा दीजिए सर। हाँ